हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में बताएंगे रियलमी C30 मोबाइल में आप ऐप हाइड करना चाहते हैं तो किस तरीके से अपने मोबाइल में ऐप हाइड कर पाएंगे, किसी भी ऐप को हाइड कर पाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में सेटिंग को ओपन कर लेना है। जैसे सेटिंग को ओपन कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्राइवेसी का, तो इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको फिर से यहाँ पर कुछ इस तरह का दिखेगा, तो यहाँ पर हाइड ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे ऐप दिख जाएंगे। जिस ऐप को आप हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपने मोबाइल में ऐप हाइड कर सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, जब जैसे ही आप ऐप हाइड को इनेबल करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सेटिंग करनी पड़ेगी। तो हम सेटिंग पर क्लिक करते हैं। जैसे सेटिंग पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको 6 अंकों का कोड डालना है। आप कोई भी 6 अंकों का कोड डाल दीजिएगा, फिर यूज पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे फिर से आपको वही पासवर्ड डाल देना है। जैसे पासवर्ड डालेंगे आपको फिर से यहाँ पे जो है कोई भी अपना नाम डाल देना है। आप कोई भी नाम डाल देना है। तो जैसे यहाँ नाम डालेंगे फिर से सेटिंग पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे करना क्या होगा, आपको 4 अंकों का कोड डालना पड़ेगा जो आप ऐप हाइड करे हो उसको देखने के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर हम हाइज दबाएँगे। हाइज दबाने के बाद आप कोई भी 4 अंकों का कोड डाल दीजिएगा, फिर से हाइज दबा दीजिएगा। जैसे दबा देंगे तो इसे हम डन कर देते हैं। डन करने के बाद दोस्तों अब यहां से आप इनेबल कर सकते हैं। आप जो ऐप हाइड करना चाहते हैं, जिस ऐप को हाइड करना चाहते हैं उसको इनेबल कर देना है और आपको आपके मोबाइल में जो है ऐप हाइड हो जाएंगे। तो अब यहां पे ऐप हाइड हो चुके हैं तो अब इसे आप देख कैसे पाएंगे। अब करना क्या होगा, आपको बैक आना होगा। यहाँ पर आपको डायलर में चले जाना है। जैसे डायलर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको हाइज वही कोड डाल देना है, हाइज 4 अंकों का जो आपने डाला था, और फिर से हाइज दबा देना है। जैसे दबाएंगे यहाँ पे आपके मोबाइल में जो ऐप हाइड हैं वो दिख जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से अपने मोबाइल में ऐप हाइड कर पाएंगे और